सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से और बहुत ही आसानी से। आपको ना कोई लॉगिन ज़्यादा रजिस्टर करने की ज़रूरत है, ना लॉगिन के लिए कोई भी आपको अपना नंबर देना पड़ेगा, ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो चलें मैं आपको सारा तरीका समझाता हूँ। आप एंड तक वीडियो देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ जाएगी और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है ऐप लिंक। तो आपने उस लिंक को अपने किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से क्रोम में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्रोम बेस्ट लगता है और मैं क्रोम ही यूज़ करता हूँ। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर उस आपने वो वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐप के लिंक पर चला जाऊँगा। ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। तो आप यहां से इस पेज पर आ जाएंगे। इस लिंक के ज़रिए पेस्ट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपने यहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसे यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। और यहां से ये पूछ रहा है कि आप ब्राउज़र के ज़रिए डाउनलोड करेंगे, ड्राइव के ज़रिए, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं इसे ब्राउज़र से ही डाउनलोड करूँगा। आप जहाँ से भी ओपरा मिनी ब्राउज़र है मेरे पास, इंस्टॉल के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ड्राइव से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से जस्ट वंस करता हूँ और यहाँ से ब्राउज़र से ही ओपन करता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ड्राइव में अपलोड की हुई है। ये एप्लीकेशन आपको कहीं और से मुश्किल ही मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया। और यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यह डाउनलोड हो चुकी है, मैं यहाँ से ओपन पर ओके करता हूँ। और जैसे ही मैंने ओपन पर ओके किया, आपके सामने ये टेल डायरेक्टरी एप्लीकेशन सामने आ गई है। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल को स्लो भी नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ और आइए वापस चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉल भी हो चुकी है। आपके सामने इस तरह का इसका आइकन शो होगा, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस इसका आएगा। तो यहाँ पे साइन अप न्यू यूज़र आपने ये नहीं करना, बल्कि ये लिखा हुआ है लॉग इन ओल्ड यूज़र, आपने यहाँ पे इसको ओपन करना है। और यहाँ पे यूज़र नेम आपसे मांगेगा और यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगेगा। आपने यूज़र नेम में अफजल लिखना है, ये जो है वो कैपिटल में लिखना है आपने, और बाकी आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये मैंने आपके सामने अफजल टाइप कर दिया है और पासवर्ड में आपने लिखना है, सारा स्मॉल लेटर में लिखना है आपने अफजल। इसके बाद आपने लिखना है 8888098। आपने ये टाइप कर देना है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने ये यहाँ पे क्या टाइप करना है। तो आपने यहाँ से सबमिट आपको नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा लॉग्ड इन, तो आपने यहाँ से ओके कर देना है इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है फ़ोन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे उन्होंने दिया हुआ कि आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे 0 आपने टाइप करके फिर आगे नंबर टाइप करना है। और नीचे अगर आपके पास किसी का आईडी कार्ड नंबर है तो वो भी आप टाइप करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो पहले मैं नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ और नंबर टाइप करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन सारी वो देते हैं। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे नंबर टाइप करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 0332831292। तो ये नंबर को मैंने ही जानता है कि किसका नंबर है और मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे मैंने क्योंकि फ़ोन नंबर लिखा है, इसलिए नीचे जो ऑप्शन दिया गया है फ़ोन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। ये आपके सामने लिखा है मोहसिन हसन, ये नंबर जो है मोहसिन हसन के नाम पर है और ये इस वक्त
जोंग की सिम पर है, क्योंकि वैसे आपके सामने ये नंबर यू फोन का है लेकिन ये जोंग पर कन्वर्ट है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस नंबर पर कन्वर्ट है या नहीं है। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 3440221, ये उस बंदे का आईडी कार्ड है मोहसिन हसन का जिसका ये नंबर है। ये आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा और ऊपर भी। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे, मैं नीचे वाले पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक जैसे ही मैंने किया और इस आईडी कार्ड का नंबर भी यहाँ पे खुद ब खुद टाइप हो गया, और नीचे इस आईडी कार्ड पर जितनी भी सिमें हैं नाम है वो सारी नीचे शो होना शुरू हो गई। आपके सामने देखें ये 0346 वाला नंबर, 0331 वाला नंबर और ये 0332 वाला नंबर, और नीचे भी ये आपके सामने सारे नंबर शो हो गए हैं जो इस नाम पर रहे हैं या अभी मौजूद हैं। ये सारे उसके नंबर्स की मालूमात है। तो आप यहाँ से सर्च करके किसी भी इस तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।